अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रोशनी रास्ता, वन मोर एपिसोड। आज हमारा चौथा एपिसोड रिकॉर्ड होने को जा रहा है। हम मौजूद हैं मॉल टाउन पार्क में, जो कि मॉल टाउन में ही वाक़ है। जिस जगह पे मैं इस वक्त हूँ वहाँ पे कहा जाता है आधा लाहौर तो एटलीस्ट अपना वजन कम करने आता है। हमारा इशू ये है कि हमने बिजली की ज़रूरत को कम करना है। पिछले तीन एपिसोड में हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया दैट पीपल शुड नॉट यूज़ दोज अप्लाइंसेज जो ज़्यादा बिजली लेते हैं। हमने बल्ब्स को उतरवाया, एनर्जी सेवर्स लगवाए, पर ये सारे काम करने के बाद आज के एपिसोड का जो मेन इशू है वो ये है कि पाकिस्तान में एंड स्पेशली इन लाहौर, हमें तो बहुत ज़्यादा जगहों से पता भी चला कि बिजली चोरी इज़ समथिंग जो एक ट्रेडिशन बन चुका है, जो नस्ल दस नस्ल कहते हैं लोग करते आ रहे हैं और आज तक चल रहा है। स्पेशली इस वक्त के दौर में जब पाकिस्तान इज़ डेस्परेटली इन नीड ऑफ करंट, हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी है, उसमें अगर बिजली चोरी होती है तो आप लोग कुछ समझ सकते हैं कि जब अमाउंट एक चीज़ की ऑलरेडी कम है, अगर उसमें से भी चोरी करके कोई ले जाएगा बिना पैसे दिए, तो बाकी आवाम का क्या होगा। आज का सवाल यही है कि वो लोग जो ये जानते हैं कि बिजली कहाँ कहाँ चोरी होती है, वो क्यों इसके बारे में रिपोर्ट नहीं करते। दोस्तों, यारों, भाइयों, बहनों के मोहब्बत में वो कितना बड़ा नुकसान करते हैं, और वो लोग जो सफ़र करते हैं, जो लोड शेडिंग फेस करते हैं, उन लोगों की वजह से जो बिजली चोरी करते हैं या उसे ज़ाया करते हैं। तो अभी मेरे पास बहुत से लोग हैं, उन बच्चों से बात करते हैं थोड़ी सी, बिकॉज ये यहाँ पे खड़े हैं, और इनसे पूछते हैं इस बारे में क्या जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आपका नाम क्या है? हसन। आपका नाम क्या है? हरम। हरम और हसन दोनों का नाम एज से शुरू होता है। आप लोग भाई बहन हो? क्या एज है आपकी? मेरी 7। और आपकी? 6। 6 और 7। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ना कि इस वक्त हमें करंट सेव करने की, इलेक्ट्रिसिटी सेव करने की ज़रूरत है। हम लोग बिजली ज़ाया नहीं कर सकते। सुना है इस बारे में? जी। तो घर का एसी किस सेंटीग्रेड पर रखते हो, किस टेम्परेचर पर रखते हो? मुझे नहीं पता। आपको पता है? 16। सच बोला है इसने। आइंदा के बाद माँ बापा के पास जाना है और उनको बोलना है कि हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेव करने की ज़रूरत है, हमारे पास करंट कम है, तो एसी 26 डिग्री पे चलाएं। 26 पे? किस पे? 26 पे। घर जाके माँ पापा को बताओगे? जी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, थैंक यू। ग्रूमिंग द किड्स इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें समझाना है अपने बच्चों को कि अपने वालिदैन को कैसे ग्रूम करना है, बिकॉज पाकिस्तान में इस वक्त समझाने वाले बच्चों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों की उम्र से तो पता लगता है कि आप लोग काफ़ी ज़िम्मेदार हो सकते हैं पाकिस्तान को लेकर। इस वक्त मैं भी अपने घर से सिर्फ यही बताने के लिए लोगों को निकला हूँ कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बचाने की ज़रूरत है, जो आप लोगों को भी पता। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि सेव करते हो? बिल्कुल सर। आप भी करते हो? हाँ जी, कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन जब सोसाइटी में इधर उधर देखते हैं ना, तो 150-200 वाट्स के बल्ब और ऐसे तो उनको समझाते नहीं हो यार। तुम लोग तो 5-10 आप लोग इकट्ठे हो जाओ अगर, तो उनको जाके बोलो। लड़ाई वाली बात है, सीधी बात है, अगर हम उनसे कहें वो हमसे लड़ने भी आ जाते हैं। एक तो देखे ना, पहले दिन के कितना एक घंटे वैसे लाइट बंद रहती है, बस थोड़ा सा टाइम होता है, अब उसमें कहते हैं जी आप हमें भी नहीं चलाने देते, क्योंकि हमारे सामने वाले स्टोर वाले हैं, उनका एक लाइट से भी काम हो सकता है, वो सारी चलाते हैं। टाउनशिप मार्केट है मेन, उधर मतलब ज्वेलरी की दुकानें हैं, और इतनी लाइटिंग वो सिर्फ अपनी चीजें बेचने के लिए उनको ग्लो करते हैं, इतने ज्यादा बल्ब लगाए हैं। ये लोकेशन हम लोग मार्क कर रहे हैं, हम लोग बहुत जल्द वहाँ पे जाने वाले हैं, और मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि मैं ये बत्तियां उतरवाऊंगा जाके। बहुत जगह की बड़ी स्पेशल, मैं वो एक बंदा बर्गर बेचता है उधर मेरे एरिया में, ठीक है, उसके पास मैं गया, उसने 2-3 बड़े बड़े बल्ब लगाए हुए थे, ठीक है। मैंने कहा भैया आप यहाँ पे एनर्जी सेवर अगर लगा लो तो क्या है? वो कहता है यार मैंने तो 200 देना ही देना है, ठीक है, मुझे कोई नहीं है, मुझे किसी ने ये 200 देना ही देना। मतलब वो दुकान के बाहर लगाता है ना, ठीक है, ऐसे लोकल जिस तरह से होते हैं ना। नहीं तो उसको ये कैसे पता कि बिल 200 ही आएगा? नहीं, बिल का कोई सीन ही है उसका, उसको यही है कि उसने मालिक को 200 रुपए देने, जो मर्जी लगाए वो मालिक, ठीक है। मालिक को फिक्र नहीं होती कि वो 600 रुपए की बिजली भी इस्तेमाल करके 200 इतने इतने बड़े उसने बल्ब लगाए हुए। लेकिन वहाँ पे आप ये लोकल एरियाज अगर विजिट करें ना, तो वहाँ पे आपको ये जो बाहर लगा के बैठे होते हैं ना, इनकी सारी लाइटिंग शाइटिंग, इनका क्या सीन है? आपको रोक लिया, वरना मैं तो कहता था वॉक भी करते रहते। हमें एक थोड़ा सा इशू है आजकल पाकिस्तान में, इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉर्टफॉल चल रहा है और जो मसले चल रहे हैं, वो आपने भी सुना होगा, देखा होगा, फेस भी किया होगा, और बिजली चोरी होना भी एक चीज़ है जो हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या? वो सब मिले होते हैं, अगर वो चोरी करते होते हैं तो वो जो बाकी जो बिजली के होते हैं, मतलब पर्सनल वगैरह, वो भी शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं, उन्हें पैसा मिलता है। आपने कभी सुना है, देखा है अपने मोहल्ले में किसी जाने वाले ने? मेरे साथ ही वाक्य पेश हुआ। आपने खुद बिजली चोरी की? मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ।
कि बिजली क्या मैंने चोरी की, कि मैंने एक मैं कोर्ट में बैठा हुआ था तो वहाँ पर एक जो था मतलब बिजली का ही वापरा का कोई होगा आई थिंक समथिंग, तो उसने मुझे कहा कि जनाब हम ये करते हैं तो वो करते हैं और मतलब हम ये मीटर फिक्स करते हैं सब कुछ मीटर फिक्स करते हैं। तो मैंने उसे कहा चलो यार मीटर फिक्स करते हैं, मेरे जहन में यार मेरा भी कर दो। और वो जनाब एक दिन मेरे घर पहुँचा जनाब आ गया, और जब तक मैंने माइंड चेंज किया मैंने कहा ये अब बंदा उसने कोशिश की, तो उस वक्त मेरे जहन में स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा नहीं इट्स रॉन्ग, मैंने कहा देखो यार रहने दो हमारा इतना बिल नहीं है। उसने मुझे बड़ा परसुएड किया, मैंने कहा लीव इट, और उसको मैंने पैसे भी दिए, मैंने कहा चलो तुम मेरे घर आए हो। उसने जाके तो ऑफिस में बता दिया। पक्की बात है सर, उसने नहीं किया था मीटर पीछे, मीटर नहीं किया था उसने, कोई एक तार वगैरह जो थी ना वो उसको लगा के चला गया, जिससे मीटर स्लो हो जाता है, मीटर स्लो हो जाता है। मेरे कहने के बावजूद कि डोंट डू दैट, वी डोंट नीड दैट, इसको मत करो। एक्चुअली पहले मैंने उसको मतलब है कि जहन में मैंने गलती की, ये सोचा कि चले अगर ये दुनिया कर रही है तो हम ही क्यों ना कराएं। उसने बातें इतनी की, लेकिन यकदम मेरी मिसेज ने मुझे रोका, उन्हें कहा नहीं वी आर डूइंग रॉन्ग, तो हमारा जो है एक इसको मना करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने मैंने उसे हाँ मैंने उसे कहा कि डोंट डू दैट, लेकिन उसी ने जाके दूसरे बंदों को बता दिया और उन्होंने मुझे नोटिस दे दिया, देखें जी आपका आपने बिजली चोरी की है, ये मीटर लगा हुआ है। वो उसी बंदे ने जाके और मुझे जो है आई हैड अ बिग प्रॉब्लम, और मैं फिर आखिर मेरा कोई कोई फाइन नहीं लगा, नथिंग हैपेंड, लेकिन ये पीपल दे आर इन्वॉल्व, और यही लोग हैं जो कराते हैं, इन्होंने तो बाद में फिर बाद में पैसे भी लेते हैं और ट्रैक भी करते हैं। ये जो है ना ब्लैक शीप्स, इनको पकड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच सर। और मैं आपकी इत्तला के लिए बताऊंगा कि पाकिस्तान ने इस साल में 26,000 से ज्यादा बिजली चोरों को पकड़ा है, तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन, हम इंशाल्लाह ताला बाकी भी पता नहीं कितने हजारों को पकड़ लेंगे। जो जो इसमें शामिल है जो ये परसुएड करते हैं जो उनको भी पकड़ेंगे, बिल्कुल पकड़ेंगे सर, थैंक यू सो मच। करना चाहिए ना कि वो जो है आप उनको पकड़े, बिजली चोर वालों को भी इतना कसूर नहीं है जितना बाकियों का है। थैंक यू गन सर, थैंक यू सो मच। एक बहुत ही अच्छा किस्सा जो हमें सुनने को मिला, और मेरे ख्याल से सच ये था कि अंकल ने वाकई अपनी बिजली चोरी की थी, लेकिन अब उन्हें गिल्ट हुआ और उन्हें लगा कि उन्होंने गलत किया था, तो वो इतराफ़ करने के बाद उनको जो फील हुआ तो उन्होंने किसी तरह कवर करने की कोशिश की। बट ऐसी गलतियां अगर हम लोगों से ना हों तो बेहतर है, वर्गलाने वाले तो आज से 200 साल पहले भी वर्गलाते, बचना तो मैं खुद ही। जो आप लोगों को लग रहा है एग्जैक्टली वैसा नहीं है, मैं वैसा नहीं करने वाला, थोड़ा बहुत तो कर सकता हूँ, हाथ मुँह तो धो सकता हूँ, तो टेक ब्रेक, आई विल बी बैक।